नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं तु देहि मे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देखिए, उत्तराखंड से खुशविंदर सिंह क्षत्रिय हैं। इनका प्रश्न है कि गुरुजी प्रणाम, मिलेक्ष किसे कहते हैं और वर्तमान समय में कौन लोग मिलेक्ष कहलाए जाएंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मिलेक्ष जो शब्द है वो एक आचरणहीन व्यक्ति के लिए भी कहा गया है। जो आचरण आचार से हीन है वो मिलेक्ष है। ये जो शब्दकोश में देखिए, वे बतला रहे हैं कि मिलेक्ष मन असभ्य, जो असभ्य है वो मिलेक्ष है। अनार्य, जो अनार्य है, अनार्य माने आर्य माने होता है वेद मर्यादा का पालन करने वाला। हम लोग सब आर्य हैं, आर्यावर्तक क्षेत्र है। आर्यावर्तक क्षेत्र उसी के कहा जाता है जहां वैदिक मर्यादा का पालन होता है। तो वेद मर्यादा, वेदों में कही गई जो वर्णाश्रम मर्यादा है उसे आर्य कहते हैं। आजकल के जो आर्य समाज जी को मत समझ लेना, जिन लोगों ने तो ले लिया है और इस शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार तो आर्य समाजी लोग आर्य नहीं है, वो अनार्य ही है, क्योंकि वे जन्मना जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो कि सनातन धर्म की और वेद की मुख्य प्रथा है, मुख्य लीड है, मुख्य विचारधारा है, मुख्य भगवान का आदेश है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म को हटा दिया जाए तो सनातन धर्म में फिर कुछ बचता ही नहीं है। सनातन धर्म कहते ही उसी को, सनातन धर्म का दूसरा नाम ही है वर्णाश्रम धर्म। तो देखिए, मिलेक्ष की परिभाषा करते हुए आचार्य बौधायन ने एक बड़ा सुंदर पारिभाषिक निर्देशन दिया है कि कौन है मिलेक्ष। गोमांस खाद को यस्तु विरुद्धं बहुभाषते सर्वाचार विहीनश्च मिलेक्ष इत्यभिधीयते। जो गोमांस खाते हैं, जो लोग, जिसने भी गोमांस खा लिया वो मिलेक्ष हो गया। जो भी वेदों के विरुद्ध बोलता है वो भी मिलेक्ष है। और सर्वाचार विहीनश्च, जो आचार विचार का पालन नहीं करता वह भी मिलेक्ष है। इन लोगों को मिलेक्ष कहा जाता है। जो संस्कार विहीन है, संस्कार विहीन, वर्ण विहीन, जो वर्ण से विहीन है, ऐसे अंत्यजों को भी मिलेक्ष कहा गया है। हमारे आचार्य महाराज मनु ने तो मिलेक्ष देश भी बतलाया है कि ऐसा ऐसा जो देश है वो मिलेक्ष देश है, और वहां जाने वाला, वहां रहने वाला भी मिलेक्षवती ही है। देखिए, वो मिलेक्ष देश कौन सा है, तो जहां वैदिक मर्यादा का पालन नहीं होता, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां वैदिक मर्यादा नहीं निभाई जाती है, भारतवर्ष से इतर, वो सब मिलेक्ष देश ही है। आचार्य महाराज मनु ने द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सगेयो यज्ञियो देशो मिलेक्ष देशस्त्वतः परः। यत्र माने जहां, कृष्णसार मृग स्वभाव से विचरण करते हैं। कृष्णसार मृग माने कस्तूरी मृग, वो जहां स्वभाव से रहते हैं वो सगेयो यज्ञियो देशः, सह यज्ञिया देशा गेया, उसको यज्ञीय देश समझना चाहिए।
जो भारतवर्ष है, भारत भूमि है, ये यज्ञीय देश है, यहाँ कृष्णसार मृग रहते हैं स्वभाव से ही। ऐसा नहीं कहीं जा करके बसा दिया जाए, किसी को मृग को वहां टिका दिया जाए तो वो यज्ञीय देश हो जाएगा, नहीं। और मिलेक्ष देशस्त्वतः परः, मिलेक्ष देशस्तु अतः पर, और इस स्थान के अलावा जो भी देश हैं उनको आचार्य मनु मिलेक्ष देश कह रहे हैं। तो उन मिलेक्ष देशों में रहने वाले जाने वाले लोग भी मिलेक्ष हैं, जो आर्य मर्यादा का, वैदिक मर्यादा का पालन नहीं करते हैं वे मिलेक्ष हैं, यूं समझ लेना चाहिए। हर हर महादेव।